हल्द्वानी के मंगल पड़ाव में ठेले पर खाना खाते वक्त वार्ड 27 के पार्षद रोहित कुमार पर चरस तस्करी करने वाले कुछ अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। इस दौरान रोहित ने कोतवाली में मामले की तहरीर देते हुए बताया कि उन्हें पहले भी जान से मारने की धमकी मिली है। ये मैंने पूर्व में गांधीनगर अपने वार्ड में सीसीटीवी फुटेज लगाई जिससे कि इसमें को चरस का कारोबार थम सके और बहुत हद तक रुका भी है, ये काम रुक चुका है, जिससे जो चरस और इसमें ये लोग हैं रुष्ट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और ये लोग कहीं ना कहीं मेरे को मारने के लिए प्लानिंग करते रहते हैं। पूर्व में भी इन्होंने मुझे धमकियाँ दी थी जिसकी तहरीर मैंने माननीय SP महोदय को भी दी है और तमाम पार्षद गण मेरे साथ गए थे। और आज की जो घटना थी, मैं खाना खाने के लिए ठेले पर गया हुआ था और जो चरस स्मैकची के ये जो लोग हैं इन्होंने वहाँ पर देख करके मुझसे ये मेरे को ढाल ढाल के ये कहने लग गए कि किसमें दम है जो चरस का और स्मैक का कारोबार रोक सकता है। उसके बाद मैं तब भी इनकी बातें सुनता रहा, मैंने इनको कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इन्होंने ये कहा कि अगर फिर इन्होंने सीधे मेरे से पार्षद का नाम लेगा क्योंकि पार्षद भी अगर कुछ बोलेगा तो हम उसको भी देख लेंगे। तब मैंने उनसे कहा कि भाई मेरे का नाम क्यों ले रहे हो। जैसे मैंने इतना कहा इन्होंने जो था मुझे मारना शुरू कर दिया। और ये जो लोग हैं ये सत्ताधारी पक्ष के जो दर्जा राज्य मंत्री हैं अजय राजौर, उनके ही घर में रहते हैं, उन्हीं के साथ घूमते हैं और जब लड़ाई झगड़ा जब इन्होंने मुझे मारा ही मार पीट के सीधे अजय राजौर के घर में भागे। और अजय राजौर के यहाँ दो घर हैं, एक गांधीनगर में है और एक बड़ी पाल कॉम्प्लेक्स वाली गली में है, ये लोग यहीं पर रहते हैं। क्या नाम है जिसका आपसे लड़ाई झगड़ा हुआ था उसका? विपिन राजौर, कपिल राजौर और राम राजौर। लेकिन जानकारी के मुताबिक ये मालूम पड़ा है जिससे अकबर झगड़ा हुआ था वो नगर निगम में कार्यरत है। हाँ, उसको नगर निगम से भी नोटिस मिल चुका है, वो नगर निगम में ड्यूटी पर नहीं जाता है। ये इससे पहले ये राजपुरा में रहते थे, राजपुरा में ये गोला में चरस और इसमें का काम करते थे, जहाँ जिसके लिए इन्होंने जो पूर्व पार्षद है दिनेश रंधावा जी उन्होंने और जो प्रेजेंट वर्तमान पार्षद है ध्रुव कश्यप जी उन्होंने इनकी पुलिस में काफ़ी रिपोर्टें दर्ज कराई, तो ये वहाँ से भागे और अभी यहाँ पर आके रहने लगे। लेकिन हमारे द्वारा छानबीन करने पर ज्ञात हुआ है कि आपने कुछ पैसे की बात कही, मेरे पैसे कब देगा क्या देगा, उसके बाद लड़ाई शुरू हुई ना? पैसे का कोई मसला ही नहीं था, पैसे का कोई मसला नहीं था, इन्होंने सीधे मेरे को टोन कसना शुरू करा कि भैया। तो ये व्यक्ति अकेला था, कुछ संग में और लोग भी थे? ये थे और इसके साथ इसके दो भाई लोग। साथ ही इस मौके पर नगर निगम के कर्मचारी विपिन ने पार्षद रोहित पर आपसी रंजिश के चलते मारपीट का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि कर्मचारी विपिन के चेहरे और सर पर घाव साफ दिखाई दे रहे हैं। काफी लगी हुई है, कैसे लगी, क्या मामला है? ये रोहित कुमार ने मारा मेरे को अपनी पुरानी रंजिश निकालते हुए। ये रोहित कुमार कौन है? ये रोहित कुमार पार्षद हैं, वो जो भी कहते हैं। कहाँ के पार्षद हैं वो? ये गांधीनगर वार्ड के। क्या कहते हैं आपसे वो? वो जहाँ भी देखते हैं मेरे को हमेशा गाली गुफ्तारी बकते हैं और आज भी मेरे को माननी जानलेवा मेरे पर हमला हुआ है, यहाँ तक कि मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अपनी जान बचा के भागा वहाँ से। नहीं, ऐसे क्या वजह है, क्यों आपको ऐसे लड़ते हैं वो? उसकी वजह कुछ नहीं थी, बट मेरे साथ उन्होंने पत्नी कौन सी रंजिश निकाली है, उनके मन में क्या था क्या नहीं था मुझे कुछ नहीं पता, बट मैं वहाँ खाना खा रहा था ठेले पे ड्यूटी से आकर, खाना खाते हुए वो वहाँ से उठ कर आकर उन्होंने मेरे पर मारा था। आप कहाँ काम करते हैं? मैं नगर निगम में जॉब करता हूँ। तो आपने जो आप पे हमला हुआ है इसे कोई कंप्लेंट करी कहीं पे? हमने कंप्लेंट वहाँ चौकी में रिपोर्ट दे रखी। क्या कहना है पुलिस का? पुलिस का बस मेरा ये कहना है कि उसके ऊपर कार्रवाई हो और उनको आगे चल के ये लगे कि वो पार्ट के पार्षद होने के बाद एक व्यक्ति के साथ ऐसा संबंध ना करें किसी के साथ। नहीं, आपसे पुलिस ने कुछ कहा जब आपने पुलिस को कंप्लेंट करी, कोई आश्वासन दिया पुलिस ने? पुलिस ने भी कोई आश्वासन नहीं दिया। वहीं दूसरी ओर पार्षद ने हमला करने का आरोप स्मैक कारोबारियों पर लगाया है। साथ ही अब दोनों ने मामले की तहरीर पुलिस प्रशासन को देने के बाद आगे की कार्रवाई की उम्मीद जताई है। क्या हुआ था, किसमें लड़ाई हुई थी? ज़्यादा कुछ नहीं, मेरे को कुछ नहीं बताया ज़्यादा, तो बस ये था कि मैं खाना दे रहा था, ठीक है, तो और कस्टमर भी आए थे तो मैं उनको देने में लग रहा, मुझे ये नहीं पता कि वो कब कब में वो दोनों लड़ रहे थे। कौन लड़े आपस में? रोहित भाई तो विपिन भाई। कोई मामला था जो लड़ाई लड़े का? ऐसा कुछ समझ में नहीं आया कि क्या मामला था, दोनों लड़के लड़के मैंने पूछा भी, बचाने की सोची भी, फिर मैंने पूछा मैंने ये क्या हुआ तो बस समझ में नहीं आया वो काहे को लड़ रहे थे। नहीं, जैसे आप कर दे पैसे वाली बात चल रही है, पैसे वाला वो पूछ रहे थे कि पैसे नहीं दे रहा, बस ये बात हुई थी। कौन कह रहा पैसे नहीं दे रहा है? रोहित भाई। किससे कह रहे थे पैसे नहीं दे रहे हो? मेरे से कह रहे थे कि ये पैसे नहीं दे रहा। अच्छा, आपसे कहा ये पैसे नहीं दे रहा है, उसके बाद लड़ाई हुई आपस में? हां, मतलब लड़ाई पहले से ही चल रही थी। पहले चल रही। हर खबर में होगी हमारी नजर, खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।